So welcome everyone, and now in this video we are going to discuss our strategies for the next 75 days. आपको स्क्रीन पे कैंडल दिख रहा होगा, ये कैंडल क्या है? ये टाइम रिप्रेजेंट करता है. आप अभी दिसंबर की स्टार्टिंग में लगभग पहुंच गए हैं और आप मिड फेब तक की ये जर्नी कवर करोगे. लगभग 75 डेज होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 75 डेज होते हैं. तो इन 75 डेज में हम लोग कॉमर्स को कैसे अप्रोच करेंगे, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजीज, व्हाट चैलेंजेस वी मे फेस, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे. और आपको सॉल्यूशन देने की भी कोशिश करूंगा कि आप कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट कि आपको क्या क्या चीजें लगेंगी. सबसे पहला चीज जो आपको लगेगा वो लगेगा राइट माइंडसेट एंड क्विक डिसीजंस. देखो, एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए करेक्ट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है. बहुत बार हम लोग क्या होता है ना, हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड में नेगेटिव बातें डाल देते हैं. जैसे कि वो मेरा कोई फ्रेंड है, वो बोल देगा कि अरे भाई ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, ये चैप्टर तो मुझसे हो नहीं रहा है, ये चैप्टर मैं छोड़ने का सोच रहा हूं. तो उसकी बातें सुन के ना मैं भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ. मुझे भी लगता है कि अब मैंने सिलेबस देखा नहीं, मैंने चैप्टर अभी तक खोला भी नहीं है, बट मेरे माइंड में वो चीज आ गया कि अरे ये तो चैप्टर डिफिकल्ट है. बहुत बार होता है, आप सोचो ना, आपके फ्रेंड्स ऐसे नहीं बात करते क्या? देयर आर सम फ्रेंड्स ऑफ योर्स जो कि बैठे बैठे बोल देते हैं अरे यार ये ना मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये चैप्टर मैं छोड़ दूंगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है. सोचो अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बहुत सारे मैथ्स में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वो कुछ लोग होते हैं ऐसा जो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं. ऐसे नेगेटिव वालों से अभी थोड़ा आपको 75 डेज के लिए संभल के रहना है. आई एम नॉट सेइंग दोस्ती तोड़ दो, दोस्ती अपनी जगह है, दोस्ती मेंटेन कीजिए, बहुत काम आएगा. बट ऐसे लोगों से आप पढ़ाई की डिस्कशन मत किया कीजिए. जो पॉजिटिव बातें ना करे उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए. आप ऐसे लोगों को प्रेफर करें जो हाउ बोलते हैं. हाउ का मतलब हाउ टू डू अ सर्टेन चैप्टर, हाउ टू लर्न अ सर्टेन कॉन्सेप्ट, हाउ टू कंप्लीट द टॉपिक. देखो जब आप हाउ पे फोकस करते हो ना, हाउ टू डू इट, तो आपका ब्रेन ओपन होता है, आपके माइंडसेट ओपन होती है, आपका परसेप्शन ओपन होता है, आप फिर आंसर्स ढूंढना शुरू करते हैं, आप फिर ओपन माइंडेड होके एक्शन लेते हैं. बट अगर आप नेसेयर्स पे बिलीव करेंगे ना, ऐसे लोगों पे बिलीव करेंगे जो हमेशा नो नो करते रहते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये छोड़ देंगे, वो नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे लोगों की ज्यादा बातें सुनोगे तो आप पे भी सेम इम्पैक्ट होगा. एसोसिएट योरसेल्फ विद पीपल हु आर विनिंग, एसोसिएट योरसेल्फ विद दोस क्लासमेट्स हु आर गेटिंग गुड मार्क्स. उनसे पूछो ना कैसे आपने किया, आपने ये चैप्टर कैसे प्रिपेयर किया, कहां से आपने प्रिपेयर किया, किसके नोट्स फॉलो किए, कितने टाइम लगे फॉलो करने में, कितना टाइम लगा चैप्टर कंप्लीट करने, ऐसी ऐसी बातें किया करो. क्योंकि राइट माइंडसेट क्यों जरूरी है, बिकॉज एंड में कॉन्फिडेंस काम आता है. अगर कॉन्फिडेंस रहा, जब आपका 15 फेब के आसपास एग्जाम आएगा, मिड फेब के आसपास जब आपका एग्जाम आएगा, कॉन्फिडेंस इज व्हाट इज गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल. कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप डिफिकल्ट पोर्शंस को भी जल्दी जल्दी कर लोगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो इजी पोर्शंस भी आप एंड में नहीं कर पाएंगे, बिकॉज माइंड में बहुत सारी बातें चलेंगी. आपको लगेगा गिल्ट फील होगा, डर फील होगा, टेंशन लगेगा, बहुत कुछ हो सकता है. सो डोंट लेट योरसेल्फ गो इन द रॉन्ग माइंडसेट. एंड हाँ, क्विक डिसीजन लीजिए. देखो 75 डेज बहुत ज्यादा नहीं होता, आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं प्रिपरेशन को लेकर, मेक श्योर आप इस कैंडल की तरह देखो, ये कैंडल धीरे 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 कम होता जाएगा. आज दिसंबर है, कल को फेब आ जाएगा. तो दिस इज कंटिन्यूस, टाइम इज नॉट वेटिंग फॉर एनीवन. तो आप बहुत लेट नहीं कर सकते. गुड लीडर्स, गुड पीपल हमेशा क्विक डिसीजंस लेते हैं. दूसरी बात जो ये है वो मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके पहले राउंड ऑफ स्टडीज को कंप्लीट कीजिए. पहला राउंड जो सारे 15 चैप्टर्स है हमारे कॉमर्स में, ऑल 15 चैप्टर्स को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, ठीक है. देखो मेरे यूट्यूब में मैंने 12 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, 12 चैप्टर्स आर ऑलरेडी डन. और जो बाकी 3 रिमेनिंग है ना, 3 जो रिमेनिंग चैप्टर है उसे मैं 5th दिसंबर तक अपलोड कर दूंगा. प्रायोरिटी बेसिस पे मैं अभी उसको लेके चलूंगा, ठीक है. तो 5th दिसंबर तक मेरे एंड से हो जाएगा, बट आपके एंड से होना बहुत जरूरी है. आप क्या करो, आप 2 to 3 डेज बांध लो कि ये 2 से 3 दिन मैं कॉमर्स में डेडिकेट करूंगा या करूंगी.
ठीक है, और आप डेडिकेटेडली वो 2 से 3 दिन कॉमर्स में लगाइए। फर्स्ट टाइम स्टडी मैंने यूट्यूब में बहुत डिटेल में कराया है, ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूब वीडियोस है या वन शॉट वीडियो है तो फास्ट फास्ट करा दिया और बहुत सारे पोर्शंस इग्नोर कर दिए। नो, जो सिलेबस में है वो मैं पूरा करा रहा हूँ, जो आउट ऑफ सिलेबस है उसको मैं डिस्कस तक नहीं करता, ठीक है। जो नहीं है सिलेबस में मैं उसमें 1 सेकंड भी टाइम नहीं देता, बट जो है सिलेबस में उसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके एनिमेशंस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए मैं वो करके बहुत डिटेल में मैं वो वीडियोस प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको पूरा सिलेबस समझ में आएगा। डू इट एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि पॉइंट हेडिंग लिखना है बुक से, एक्सप्लेनेशन बुक से लिखना है क्या, ये सब बहुत डाउट रहता है। तो मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। देखो मैं अब 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब में भले ही मेरे 2 साल हुए हैं, यूट्यूब में भले ही दिस इज माई सेकेंड कॉमर्स बैच, बट मैं ऑफलाइन में 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट हेडिंग, पॉइंट हेडिंग आप बुक वाला लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट हेडिंग आप वही लिखेंगे जो बुक्स में दिया हुआ है। मैंने अपने जो बुक बनाए हैं, अपना जो नोट्स बनाया है, उसमें भी मैं पॉइंट हेडिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। पॉइंट हेडिंग आपको एग्जैक्ट बुक लैंग्वेज वाला लिखना है। बट सेकेंड बात आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न द इंटायर बुक। जिनसे हो जाता है गुड, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आप पूरा लर्न कर लो, बट मेजोरिटी लोग पूरा लर्न नहीं कर पाएंगे। उनको मैं कहता हूँ लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, ट्रस्ट मी। मैंने खुद भी एग्जाम दिया था तो मैंने यही चीज फॉलो किया था। व्हेन आई वाज गिविंग माय आईसी एग्जाम, मैं सिर्फ पॉइंट हेडिंग लर्न करता था, अंदर का कंटेंट अपने लैंग्वेज में समझाता था। और 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 6 साल से सारे स्टूडेंट्स भी, जिन्होंने 100 लाया है वो भी, जिन्होंने 99 98 लाया है वो भी, मेरे सारे स्टूडेंट्स यही फॉलो करते हैं, ठीक है। जिसने 100 लाया पिछले बार के एग्जाम में उसने भी यही फॉलो किया है, और जिन लोगों ने 98 99 97 जैसे हाई मार्क्स लाए उन्होंने भी यही फॉलो किया है। आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो ओन वर्ड्स में लिखना है। अब आप बोलोगे सर हमारे स्कूल के टीचर तो बोलते नहीं एक्सप्लेनेशन भी बुक का लिखो। देखो आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट देम, बट वो क्या है ना, वो पेपर चेक करने में उनको आसानी होती है वैसे, ठीक है। जब आप प्री बोर्ड्स के एग्जाम लिखोगे, जब आप मिड टर्म के एग्जाम लिखोगे, टर्म वन के एग्जाम लिखते हो, तो क्या होता है ना, उनको पेपर चेक करने में आसान होता है। वो बुक लेकर बैठते हैं, आपका आंसर स्क्रिप्ट लेकर बैठते हैं, वो पूरा मिलाते हैं, अगर मिल गया तो मार्क्स देंगे, नहीं मिला तो काट देंगे। तो इट इज फॉर देयर कंफर्ट भी वो बोलते हैं बुक से लिखो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट हेडिंग एज इट इज लर्न करेंगे, उतना तो कर ही लेंगे, बट अंदर का कॉन्टेंट हम लोग डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ के जाएंगे और अपने वर्ड्स में लिख लेंगे। जितना बुक लैंग्वेज मेंटेन हो पाता है करेंगे, बट जितना नहीं हो पाता उसको लेके कोई प्रेशर नहीं लेना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप पढ़ोगे कैसे, देखो कॉमर्स, कॉमर्स का जो 80 मार्क्स होता है, कॉमर्स का जो 80 मार्क्स होता है और अकाउंट्स का जो 80 मार्क्स होता है, देखने में ये दोनों वैल्यू वाइज सेम है, बट एफर्ट वाइज दीज आर नॉट सेम। वैल्यू वाइज तो कॉमर्स में भी 80 मार्क्स, इको में भी 80 मार्क्स, अकाउंट्स में भी 80 मार्क्स, बट क्या एफर्ट इक्वल लगता है? मैंने आपको बोला 2 से 3 दिन में फर्स्ट राउंड कर लो। अकाउंट्स में मैं आपको बोल सकता हूं क्या कि 2 से 3 दिन में पूरा कर लो? इतना हलवा है क्या अकाउंट्स? एफर्ट अलग अलग लगेगा। तो आप कॉमर्स में कैसा एफर्ट दोगे? आप 3 दिन पढ़ो वीक में, अल्टरनेट डेज में पढ़ो, अल्टरनेट डेज में पढ़िए। जैसे मंडे को पढ़ा, ट्यूसडे ब्रेक ले लो, वेंसडे को पढ़ो, थर्सडे ब्रेक ले लो, फ्राइडे को पढ़ो, सैटरडे ब्रेक ले लो, एंड संडे को पूरा वीक का रिविजन कर लिया। तो 3 दिन आप पढ़िए, 2 से 3 घंटे के लिए पढ़िए। अभी 75 डेज अगर आप ये फॉलो करोगे ना, आपका बहुत चिल मार के कंप्लीट हो जाएगा। इवन इफ यू आर एट जीरो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा इसमें, तो भी हो जाएगा। तो देखो एक बार मैं समराइज करता हूं अभी तक मैंने क्या क्या बातें किया है यहाँ पे, उसके बाद मैं प्रॉब्लम से चलूंगा। 75 डेज लगभग बचे हैं, ठीक है, लगभग, ठीक है। आप कब वीडियो देख रहे हो वो भी डिपेंड करता है। करेक्ट माइंडसेट बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस रहेगा तो डिफिकल्ट पोर्शंस भी कर लेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो इजी पोर्शंस भी मैस अप हो जाएगा। जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। अगर आपका कोई एग्जाम कंटिन्यू हो रहा है, अभी एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम को पार कर लो। एग्जाम पार करने के बाद 2 से 3 दिन देना। अगर आप बहुत एफर्ट देंगे तो 1.5 डेज में भी कंप्लीट हो सकता है, अगर आप बहुत एफर्ट देंगे तो। बट अगर आप नॉर्मल एफर्ट देना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन में आराम से कॉमर्स कंप्लीट हो जाएगा। यू डोंट वांट टू टेक दिस टू द एंड। एंड में आपको इको के ग्राफ करने हैं, एंड में आपको इको के न्यूमेरिकल्स करने हैं, एंड में आपको मैथमेटिक्स करना है, एंड में आपको अकाउंट्स करना है, वहां पे कॉमर्स मत करना। एंड में जाके कॉमर्स को जल्दी खत्म करो, एंड में खाली रिविजन करेंगे,
सेकंड, ये जो मैंने क्लैरिफाई कर दिया, सिर्फ पॉइंट हेडिंग लर्न करना है, अंदर का कंटेंट आराम से आप अपने वर्ड्स में लिखिए। अगर आपने सही लिखा है तो कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा, ट्रस्ट मी, पीपल हैव स्कोर्ड 100, पीपल हैव स्कोर्ड इन 90s यूजिंग दिस ओनली। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सेव टाइम, सेव टाइम। ठीक है, सेव टाइम, आप एक एक दिन छोड़ छोड़ के पढ़ो। ऑन संडे को आप सिर्फ रिविजन करना जो पूरे वीक में पढ़ा है, 3 दिन पढ़ोगे, वीक में 2 से 3 घंटे काफी है। नाउ अब हम लोग कुछ चैलेंजेस जो फेस कर सकते हैं अपने 75 डेज की जर्नी में और उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको दोनों टाइप के सोल्यूशन बताऊंगा, जो लोग मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनको मैं कैसे हेल्प करूंगा वो भी बताऊंगा, और जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी खुद से करना चाहते हैं तो खुद से आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों टाइप का ऑप्शन आपके लिए ओपन है। देखो सबसे पहला चैलेंज क्या आएगा। अच्छा, बिफोर आई टेल यू द फर्स्ट चैलेंज, आप गेस करो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या होती है कॉमर्स में। डोंट थिंक अबाउट अदर सब्जेक्ट, डोंट थिंक अबाउट न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दैट ग्राफ, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमर्स। कॉमर्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है आप खुद सोचिए। सबसे बड़ा चैलेंज आता है लर्निंग, मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग इज द फर्स्ट चैलेंज दैट यू फेस, है कि नहीं? अपने आप से पूछो, क्या मैंने गलत बोला? क्या ये चैलेंज आप फेस नहीं कर रहे हैं? कि समझ में तो आ रहा है, यूट्यूब से भी देख ले रहे हैं, स्कूल के टीचर से भी पढ़ ले रहे हैं, अपने ट्यूशन में भी जा रहे हैं, जब टीचर समझाता है, जब वीडियो देखते हैं, सब समझ में आ जाता है, बट भूल जाते हैं 2-3 दिन बाद, भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम में, भूल जाते हैं बाद में, याद नहीं रहता कहाँ ऑब्जेक्टिव्स था, कौन सा इंपॉर्टेंस था, क्या फीचर्स थे, क्या मेरिट्स था, क्या डीमेरिट्स था, क्या लिमिटेशंस था, सब मिक्सअप हो जाता है, याद नहीं रहता पॉइंट्स। यही प्रॉब्लम है ना, ये है कि नहीं? दिल से पूछो, ये है कि नहीं? तो अभी इसको सॉर्ट आउट करने के लिए देर आर टू ऑप्शंस। ठीक है, एक जो मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं मैं उनको बता रहा हूं कि व्हाट आई कैन डू फॉर यू, और जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनको मैं बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं। देखो जो लोग मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं अपने ऐप में एक सीरीज स्टार्ट किया हूं, लर्न विथ मी सीरीज। ठीक है, लर्न विथ मी सीरीज, जिसमें कि हर चैप्टर को मैं लर्न करवा रहा हूं यूजिंग सम मेमोरी टेक्निक्स। तो उन मेमोरी टेक्निक्स को लेकर के जब आप लर्न करते हैं, आई एम डूइंग एंटायर कॉमर्स इन 5 आवर्स, आई एम मेकिंग यू लर्न। मैं आपको समझा नहीं रहा, समझा दूंगा एक बार, बट मैं आपको लर्न करवा के दे रहा हूं, फीचर्स कैसे लर्न रखना है, इंपॉर्टेंस कैसे याद रखना है, एडवांटेजेस कैसे याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे याद रखना है, मैं आपको लर्न करवा रहा हूं यहाँ पे एवरी चैप्टर। टोटल ड्यूरेशन विल बी 5 आवर्स। अभी मैंने कुछ चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, प्रोसेस में है, धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, बाई 25 दिसंबर पूरा अपलोड हो जाएगा, बाई 25 दिसंबर। हर 2 दिन में मैं एक एक चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना होगा। देखो जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं, 70% एफर्ट मेरा रहेगा, 30% एफर्ट आपका रहेगा, जो हार्डवर्क है वो सब मैं करके दे दे रहा हूं, आपको बस मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम कर लेना है। बट जो बच्चे खुद से करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो 100% एफर्ट आपको देनी है। सेल्फ करना चाहते हो ना, तो 100% एफर्ट आपको देनी है, बहुत डेडिकेटेडली एंड बहुत डिसिप्लिन के साथ। आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूं, आप जितना ज्यादा हो सके टॉपिक्स को रिपीट करो। देखो रिपीटेशन से ही माइंड में लेयरिंग होती है, जब आप पहला बार कोई चीज सुनते हैं तो आप हार्डली 10% रिटेन कर पाओगे, बट जब आप दूसरी बार सुनते हो तो आप 40% से ज्यादा रिटेन कर पाएंगे, जब आप तीसरी बार उसको करते हैं तो आपकी रिटेंशन और बढ़ के 60-70% तक जाती है। 4-5 बार में तो आपको वो इमेज, बुक की इमेज दिखनी लगेगी, वो पेज पूरा दिखने लगेगा, वो पेज में कहां कौन सा पॉइंट लिखा है। तो अगर आप 5 से 6 बार रिपीट कर लेते हो ना किसी भी टॉपिक को, मतलब रिपीट मतलब आपको करना पड़ेगा, वीडियो 6 बार देखने नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं वीडियो को 6 बार देख लेना, वो भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, बट आप जो पर्सनली 6 बार किसी चीज को लर्न कर लोगे ना, 5 से 6 बार, तो वो ऑलमोस्ट आपको सेम इफेक्ट देगा जो मैं यहां पे करवा रहा हूं ना। मैं करवा रहा हूं कुछ मेमोरी टेक्निक्स यूज करके, कुछ विजुअलाइजेशन यूज करके, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, कुछ सेलिब्रिटीज के एग्जांपल्स मैंने यूज कर रहे किया है। ठीक है, अभी तक मैंने 2 चैप्टर का मैं बोलूं तो मैंने MS धोनी, MC स्टैन, ठीक है, थोड़े फनी फनी कैरेक्टर्स मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको याद करना इजी हो जाए। अभी तो बहुत सेलिब्रिटीज आने बाकी है, अभी बहुत चैप्टर्स अभी आने बाकी है, तो एक से एक मैं कैरेक्टर्स को लेकर आपको मेमोराइज हो जाए उसकी एफर्ट दे रहा हूं। बट जिनको सेल्फ स्टडी करना है तो यू नीड टू प्योरली डू हार्ड वर्क, ठीक है,
प्योरली हार्डवर्क करो, 5 से 6 बार किसी टॉपिक को करो, आराम से हो जाएगा। एफर्ट तो देना पड़ेगा, देखो एफर्ट तो देना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट कि बिना एफर्ट दिए हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो ड्रीम हो गया, फिर मैं तो आपको ड्रीम बता रहा हूँ कि बिना एफर्ट दिए हो जाएगा, वैसे नहीं होगा, आपको एफर्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, स्कैटर्ड नॉलेज। देखो कुछ बच्चों का क्या होता है ना, आप भी उनमें से एक हो सकते हो या आपका फ्रेंड उनमें से एक हो सकता है, एक चैप्टर इधर से करेंगे, एक चैप्टर उधर से करेंगे, एक चैप्टर स्कूल से करेंगे, एक चैप्टर ट्यूशन से करेंगे, एक चैप्टर मेरा यूट्यूब वीडियो से करेंगे, दूसरा चैप्टर किसी और का यूट्यूब वीडियो से करेंगे, नाच नाच के पढ़ रहे हैं पूरा, कभी इधर कभी उधर, एक पीडीएफ इसका ले लिया, एक पीडीएफ उसका ले लिया, एक चैप्टर बुक से कर लिया, एक ट्यूशन वाले भैया का नोट्स ले लिया। अरे मेरे भाई, एक जगह से पढ़ो, स्कैटर्ड नॉलेज कभी भी आपको काम नहीं देगा। हर टीचर का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, हर टीचर का अलग अलग मेथड होता है पढ़ाने का। आप एक चैप्टर सोचोगे यहां से कर ले, एक चैप्टर सोचोगे 15 चैप्टर आप 15 जगह से करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम आएगा। आप अपना लेटेस्ट रिजल्ट सोचिए, लेटेस्ट जो भी आपने एग्जाम दिया था, लेटेस्ट जो भी एग्जाम दिया था क्या रिजल्ट आया था? आपने यही सब करके तो रिजल्ट लाया, तो क्या रिजल्ट लाया था? अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, गो अहेड विथ वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट गो अहेड विथ वट एवर यू डूइंग इफ यू हैव गॉट गुड रिजल्ट। इफ यू हैव नॉट गॉट गुड रिजल्ट देन यू नीड चेंज। जागो, थोड़ा जागो, डोंट कीप डूइंग द सेम थिंग एवरी एग्जाम आफ्टर एग्जाम। अगर आपने पिछले एग्जाम को खराब किया है तो सोचिए आपने पिछले एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन किया था, और अगर आप वही चीज अभी भी कर रहे हो तो अभी भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? देखो दो सोल्यूशन है, मैं क्या सोल्यूशन दूंगा? देखो मैं तो अपना ही अपने बारे बोलूंगा, मैंने अपने ऐप में सेम चीज, मेरे सारे कुछ आपको ऐप में मिलेगा, मेरा ऐप एक वन स्टॉप सोल्यूशन है इसके लिए। मैं अपना एक बुक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें पूरा कॉन्टेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, 100 पेजेस का नोट्स है, 100 पेजेस का नोट्स है, सो दैट आपको सब कुछ एक जगह पे समराइज मिल जाए। मैंने जो किया है, मैंने अननेसेसरी पोर्शंस को हटा दिए हैं, मैंने हर पॉइंट को पढ़ के अननेसेसरी पॉइंट्स को हटा करके उतना ही लिख करके दिया है जितना आप एग्जाम में लिख करके आओगे। बाकी जो मेरे बुक में है वो है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पढ़ने कहां से है उसकी बात कर रहा हूं। तो वो आप सिर्फ 100 पेजेस से, देखो हमारे पास टाइम कम है, 75 डेज है, 75 डेज में 100 पेजेस करना पॉसिबल है, 400 पेजेस करना मेरे लिए तो थोड़ा चैलेंजिंग है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। जिनको सेल्फ स्टडी करना है, दो ऑप्शन है, या तो आप स्कूल बुक फॉलो करो, अगर आप पहले से कर रहे हो और आपका अच्छा खासा हो गया है तो यू नीड नॉट चेंज, आप 400 पेजेस का ये बुक कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपने अभी तक नहीं किया है और आपको मेरा बुक नहीं चाहिए तो यू कैन डू वन थिंग, आप मार्केट से कोई एक अच्छा बुक उठा सकते हो, मार्केट में बहुत सारे बुक्स होते हैं, बट वो बुक उठाने टाइम आप दो चीज देखना, पहला क्या वो आपके बुक से मैच कर रहा है, जैसे पॉइंट हेडिंग्स पूरा का पूरा मैच कर रहा है कि आपके बुक से, एंड दूसरा कहीं वो ओवर समराइज तो नहीं कर दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा सिलेबस 50 पेजेस में बता दे रहे, इतना भी समराइज मत कर देना कि लास्ट में मार्क्स ही ना मिले, ओवर समराइजेशन बहुत डेंजरस होता है। सो मेक श्योर कि आप जहां से पढ़ रहे हो वो एक ट्रस्टवर्दी जगह हो। ठीक है, मेरे से जो लोग पढ़ेंगे मैं आपको गारंटी देता हूं आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 5 घंटे में पूरा कॉमर्स भी लर्न करवा रहा हूं और 100 पेजेस का मैं आपको नोट्स दे रहा हूं। क्वेश्चन बैंक अलग है, मैं क्वेश्चन बैंक को काउंट नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द नोट्स। 5 घंटे में लर्न करवा रहा हूं, 100 पेजेस का नोट्स दे रहा हूं, 75 डेज में चिल मार के होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम आता है कि इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, क्या सारी चीजें इंपॉर्टेंट है? Is everything important? Of course not. तो आपको important चीजें करनी है। अब इसको क्या कैसे मैं कैसे tackle कर रहा हूं और आप अलग से जो self study करेंगे वो कैसे कर सकते हैं? मैं 3 टेस्ट कंडक्ट करूंगा, तीनों टेस्ट की मैं आज डेट बता दे रहा हूं। एक होगा 28 दिसंबर को, एक होगा 5 जनवरी को और एक होगा 20 जनवरी को। 3 टेस्ट कंडक्ट करूंगा, आपने बस लर्न करना है, बुक से पढ़ना है और 3 टेस्ट देना है। इन तीन टेस्ट के अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं यहां दे रहा हूं बस आप लर्न करके बुक से पढ़ के ये 3 टेस्ट दे देना, कॉमर्स विल बी क्लोज फॉर यू, इट्स अ क्लोज डील। आपको और ज्यादा टाइम इसमें नहीं देना, मैंने क्या बोला, अकाउंट्स में टाइम दो, इको में टाइम दो, कॉमर्स में टाइम बचाओ, ये लाइट वेट सब्जेक्ट है।
और जो लोग अपने से करना चाहते हैं, अच्छा मैं इसकी आंसर की भी दूंगा, ये सब मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ये टेस्ट तो ऑफकोर्स मैं ऐप में कंडक्ट करूंगा, डेट आपको बता दिया है, उस डेट को क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई और एग्जाम चल रहा है, यू डोंट नीड टू अटेंड द टेस्ट राइट देयर एंड देन, आप बाद में भी कर सकते हो, ये हमेशा वहां पे रहेगा, बट इस टेस्ट की जो आंसर की होगी, इस टेस्ट की जो आंसर की होगी वो टेस्ट के 2 दिन बाद मैं रिलीज करूंगा। जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होंगे इस टेस्ट में, उसके मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी रिलीज करूंगा, सो दैट आपको कंप्लीट सॉल्यूशन वहां पे मिल जाए, आंसर भी मिल जाएगा, एंड आंसर क्वालिटी आंसर्स होंगे, वो वन लाइनर आंसर नहीं होंगे, किसी भी चीज का आंसर हिंट नहीं रहेगा, प्रॉपर आंसर रहेगा, एग्जाम में कैसा लिखना है उसकी आंसर रहेगी, वो कैसे वर्ड्स में लिखना है वो रहेगा, ठीक है। ये भी मैं जो बता रहा हूँ वो सारे मेरे ऐप में आएंगे, बट अगर आपको अपने से करना है तो आप मार्केट से कोई सैंपल पेपर उठा लीजिए, सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर का कोई बुक उठा लीजिए, ठीक है, उसमें 10-10 सैंपल पेपर रहते हैं, ठीक है। बट लेट मी टेल यू, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की ये बैटल है। आप 10 सैंपल पेपर तो क्या, आप 50 सैंपल पेपर भी कर सकते हो, लेकिन रैंडम सैंपल पेपर करने से बेटर है, मैं बोल रहा हूँ मेरा वाला 3 सैंपल पेपर, ये उन 50 सैंपल पेपर्स या 10, मार्केट वाले 10 देते हैं, 10 सैंपल पेपर से बेटर है। मुझे पता है वो मार्केट में 10 देते हैं, बट मैं उनसे कम्पीट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं चाहूँ तो 10 बना सकता हूँ क्या, मैं 3 बना रहा हूँ तो 10 नहीं बना सकता क्या, बट मुझे पता है 10 की जरूरत नहीं है। अगर मैं 3 बना रहा हूँ तो मैं 10 नहीं बना सकता क्या, आई नो मार्केट वाले 10 बना के दे रहे हैं, मार्केट में जितने भी सैंपल पेपर्स है, कोई एक दो का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे हैं, 10-10 सैंपल पेपर्स दे रहे हैं, कुछ तो 20 भी दे रहे हैं, तो मैं क्या 10 नहीं बना सकता, बट आई एम नॉट कम्पीटिंग विद देम, मेरा 3 क्वालिटी टेस्ट रहेगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये 3 मार्केट के किसी भी सैंपल पेपर पे भारी पड़ेंगे, चाहे आप 10 सैंपल पेपर ले लीजिए, 20 सैंपल पेपर ले लीजिए, इसमें मैं जो क्वेश्चन दूंगा और इसकी जो मैं आंसर की रिलीज करूंगा, उसकी आंसर की जो क्वालिटी रहेगी और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के मैं वीडियो बनाऊंगा, ये मार्केट के किसी भी सैंपल पेपर से टॉप लेवल का रहेगा। मेरे हिसाब से आपको बस 3 चीजों पर ध्यान देना है, चाहे आप वो मेरे साथ करो या वो आप खुद से करो, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे याद रखिए 100% एफर्ट आपको देना है, ये लड़ाई कंप्लीटली आप लड़ोगे और अपने दम पे लड़ोगे। जिनको मेरे साथ आके करना है 70% सारा हार्डवर्क मैं कर दूंगा, लर्निंग मैं आपको करवा दूंगा, सारे शॉर्टकट, सारे विजुअलाइजेशन, सारी स्टोरी सब मैं आपको करके 5 घंटे में लर्न करवाऊंगा, आपको बस मेरे गाइडेंस में 30% एफर्ट देना है। जो मेरे नोट्स यूज करेंगे सब मैंने नोट्स बना दिया है, हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, आपको बस मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करना है। 3 सैंपल पेपर मैं बनाऊंगा, उसके आंसर कीज मैं बनाऊंगा, उसके वीडियोस मैं बनाऊंगा, आपको बस उसको करके जाना है। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो है कि अकाउंट्स, इको, मैथमेटिक्स, ऐसे सब्जेक्ट के लिए टाइम बचाना है, तो एंड में आपको इसके लिए टाइम बचाना है। कॉमर्स आप जितना एंड तक ड्रैग करोगे तो याद रखना कॉमर्स दूसरे सब्जेक्ट का टाइम खा जाएगा, फिर जो ज्यादा हाई लेवल डेडिकेशन वाले सब्जेक्ट से उनका टाइम खा जाएगा, इसीलिए कॉमर्स को अर्ली स्टेज में करो, जितना अर्ली करोगे उतना बेटर होगा, ठीक है। जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं, फॉर देम मैं आगे की बात बताता हूं, जो मेरे साथ करना चाहते हैं ये कोर्स मेरे ऐप में अवेलेबल है, मेरा ऐप एंड्रॉइड यूजर्स इस नाम से जानते हैं, अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड, जो एप्पल यूजर्स है वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वो एग्जाम एंड तक रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा, जब तक आपका एग्जाम तब तक ये कोर्स चलेगा, ठीक है। आई फ्रॉम माई सेल्फ आई एम गिविंग यू अ गारंटी, ये बुक जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बुक यहाँ पे आपको एक बुक दिख रही है, ये बुक आपको दिया जाएगा, 100 पेजेस में नोट्स है, बाकी क्वेश्चन बैंक है, बट मैं सिर्फ नोट्स का बोल रहा हूँ। ये बुक, 5 घंटे की लर्निंग और 3 टेस्ट पेपर्स, दैट इज इट, मेरे हिसाब से आपको और कुछ नहीं लगेगा। बाकी जो करना चाहते हैं खुद से तो 5-6 बार रिपीट करो, कोई अच्छा सा मार्केट से बुक उठा के लाओ, और मार्केट से कोई अच्छा सैंपल पेपर उठा के लाना। मैंने लास्ट ईयर का सैंपल पेपर देखा है, इस साल का तो मैं खरीद भी नहीं रहा, लास्ट ईयर मैंने खरीदा था, मैंने देखा था उनके सैंपल पेपर्स को, आंसर्स भी प्रॉपर नहीं देते, आंसर होगा कंट्रोलिंग, पीछे लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन, एमसीक्यू का आंसर होता है ए, पीछे ऑप्शन देते हैं सी, तो कुछ का कुछ लिखते हैं 6-6 मार्क्स, इको इको में मैंने देखा है 6-6 मार्क्स का क्वेश्चन 2-2 लाइन का आंसर दे रहे हैं, तो ठीक है, मतलब वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सैंपल पेपर क्वांटिटी पे मत जाइए कि वो लोग 10 सैंपल पेपर दे रहे हैं, मैं जो 3 दे रहा हूँ मुझे पता है वो 10 दे रहे हैं, बट मैं कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा कि अरे मैं भी 10 बना देता हूँ,
मुझे पता मेरा 3 उनसे 10 से बेटर है, ठीक है, चॉइस इज योर्स, आप कैसे करना चाहते हो चॉइस इज योर्स, बट एक चीज याद रखना, ये मोमबत्ती किसी के लिए रुक नहीं रही है, ये घटते जा रही है, यू नीड टू टेक क्विक डिसीजन, मैंने आपको पिछले स्लाइड में जो बताया था, यू नीड टू टेक क्विक डिसीजन, यू नीड टू हैव राइट माइंडसेट, ठीक है, सो जो भी करना है जल्दी कीजिए और स्टार्ट हो जाओ, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा नेगेटिव वालों से बात मत करो कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो डिफिकल्ट है, ज्यादा नेगेटिव लोगों से बात मत कीजिए, और अगर वो नेगेटिव वाला बंदा आपका बहुत अच्छा दोस्त है, दोस्ती मेंटेन करो, बट डोंट टॉक अबाउट स्टडीज विद देम, ठीक है, आप पर्सनल डिसीजन लो, लड़ाई आपकी है, दिमाग आपका है, हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है, दोस्त क्या कर रहा है वो उसकी इच्छा है, दोस्त क्या कर रहा है वो उसकी इच्छा है, आपको क्या सूट करता है वो आप कीजिए, ठीक है, तो इस नोट के साथ मैं आपको छोड़कर यहां पे जा रहा हूं, होप टू सी यू वेरी सून इन अदर यूट्यूब वीडियोस, इन इन दी ऐप वीडियोस, जहां पे भी आप रहोगे, मेरे तरफ से आपको सपोर्ट रहेगा, बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, गेट स्टार्टेड, डोंट वेस्ट टाइम, अब टाइम है भी नहीं वेस्ट करने को, गेट स्टार्टेड, जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये वीडियो चाहे नवंबर में देख रहे हो, चाहे दिसंबर में देख रहे हो, चाहे जनवरी में देख रहे हो, जहां से देख रहे हो वहीं से शुरू हो जाओ, जल्दी हो जाएगा, 5 घंटे की बात है, थैंक यू सो मच एवरीवन।